रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ओके, सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ब। सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपके सामने लिख रही हूँ, जो कि आप नॉर्मली हर जगह सुनी भी होगी, हमेशा ही सुनी होगी जब से आप वर्ब पढ़ते आ रहे हैं। वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज एन एक्शन और अ स्टेट। वर्ब एक वो वर्ड है जो कि आपको कोई भी काम के होने या करने को बताए, ठीक है, या फिर उसकी स्टेट बताए, तो वो आपके पास कहलाएगा वर्ब। ये एक नॉर्मल सी डेफिनेशन जो कि हम हर जगह हमेशा सुनते आ रहे हैं कि वर्ब क्या करता है, एक्शन शो करता है। जो भी कोई काम हो रहा होगा हम उसे कहेंगे कि वो वर्ब है। बिल्कुल ठीक है, कोई गलत बात नहीं है। एक और अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, सॉरी आई मीन डेफिनेशन दूँ उसकी एक और, तो हम यूँ कहेंगे वर्ब को वर्ब इज अ वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। ठीक है, यानी कि क्या है वर्ब, जो कि आपके जो थिंग है, जो कि पर्सन है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है, उसके बारे में बताए कि वो क्या काम कर रहा है, तो वर्ब कहलाएगा। इन दोनों डेफिनेशन में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ लफ्ज़ों का रद्दोबदल है, बाकी मीनिंग बिल्कुल सेम है कि कोई काम के करने या होने को हम वर्ब कहेंगे। अब वो काम किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकता है, कोई भी चीज़ के बारे में बात हो सकती है, कोई भी पर्सन के बारे में बात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गई सिंपल डेफिनेशन वर्ब की। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको समझते हैं कि हम पहचानें कैसे क्या वर्ब है। ओके, पहली एग्जाम्पल हमारे पास है रोनाल्डो किक्स द बॉल। रोनाल्डो ने बॉल को किक किया, यानी कि बॉल को मारा, जो कि हम कहते हैं नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में कि बॉल को मारा उसने, ठीक है, किक किया। तो अगर इसमें मैं आपसे कहूँ कि वर्ब क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि वर्ब क्या है? ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और काम क्या हो रहा है, एक्शन की बात हो रही है ना, तो काम क्या हो रहा है हमारे पास, काम हो रहा है कि बॉल को किक किया गया है, किक हमारा वर्ब होगा, ठीक है, किक हमारा वर्ब होगा। और एक ये वाली हमने डेफिनेशन के हिसाब से देख लिया, अब इसके हिसाब से देखते हैं कि वर्ब क्या है। हमें बताया जा रहा है कि पर्सन ने क्या काम किया है, पर्सन ने क्या काम किया है, ये पर्सन यानी कि रोनाल्डो ने बॉल को किक किया है, तो जो काम किया है उसके बारे में हमें बताना है, तो काम हमारे पास क्या है, किक। तो इसके हिसाब से मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, काम के होने को, पर्सन जो काम कर रहा है वो, या फिर कोई भी काम जो हो रहा है, बस जो काम होगा ना वो हमारे पास कहलाएगा वर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। टॉम एंड जेरी क्लाइम ऑन द ट्री। टॉम एंड जेरी जो है ट्री पर चढ़ रहे हैं, दरख्त पर चढ़ रहे हैं। इसमें काम क्या हो रहा है, इसमें काम ये हो रहा है, सॉरी टॉम लिखा है, इसमें काम हमारे पास हो रहा है क्लाइम, चढ़ना, तो ये हमारे पास कहलाएगा वर्ब। कि जो टॉम और जेरी हैं उनका बताया जा रहा है कि वो क्लाइम कर रहे हैं, वो चढ़ रहे हैं, उनका काम बताया गया है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास क्लाइम वर्ड है वो हमारा वर्ब है। अच्छा, अब वर्ब की कुछ टाइप्स होती हैं जो कि हम डिस्कस तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं बस आपको मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम वर्ब्स की टाइप पढ़ने पे आएंगे, एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी मैं, तो हम फिर तब इसको डिस्कस करेंगे। वर्ब की दो मेन टाइप्स होती हैं, एक होती है मेन वर्ब, सेकंड होती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और इनकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक होता है एक्शन वर्ब, दूसरा होता है स्टेट वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब और एक होता है मॉडल वर्ब्स, ठीक है।
ये जो है इनकी टाइप्स होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, इनके बारे में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आपको डिटेल से सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी। ये हमने पढ़ना था टेंसेस के हवाले से, छोटा सा एक मतलब मैं चाह रही थी कि हल्का सा इंट्रो हो जाए, ताकि जब आप टेंसेस पढ़ें तो आपको कम से कम इन टर्मिनोलॉजी जो कि मैं सब्जेक्ट यूज़ करूँगी, वर्ब यूज़ करूँगी, ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगी, तो उसके बारे में आपको पता हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको इसका थोड़ा सा इंट्रो दे दिया है। ग्रामर में वर्ब को सेइंग वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और एक और चीज़ हमारे पास जो हम डिस्कस करने रह गई है वो ये है कि वर्ब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक वर्ड का हो, दो वर्ड के भी हो सकते हैं, ठीक है। मोर देन वन वर्ड भी आपके पास वर्ब आ सकता है। अगर मैं इसको यहाँ पर सेंस लिख देती हूँ, इट्स नॉट ऑलवेज वन वर्ड, इट मे कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन, ठीक है। वर्ब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सेंटेंस में एक ही वर्ड का हो, दो वर्ड्स के भी आपके पास वर्ब आ सकते हैं। अब जैसे अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, तो मैं ये दूंगी आपको एग्जांपल, शी एट हर बिस्किट देन वॉक्स टूवर्ड्स द बस। इसमें आपने नोटिस किया होगा कि सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, लेकिन वर्ब हमारे पास दो हैं, एक एट है और दूसरा वर्ब कौन सा है, वॉक्स। ये दो वर्ब है हमारे पास जो कि एक सेंटेंस के अंदर आ रहे हैं, और सब्जेक्ट एक है लेकिन वर्ब दो हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस भी हमारे पास आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इस तरह के सेंटेंसेस में जो वर्ब यूज़ होते हैं हम उन्हें कहते हैं कंपाउंड वर्ब्स, ठीक है। कंपाउंड वर्ब के नाम से फिर वो जाने जाते हैं। तो ये हमारा पूरा लेक्चर हो गया आज का, उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा।